हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाइनिंग वाले प्लाजो की स्टिचिंग करना बताते हैं, जो बहुत ही सिंपल तरीके से सिला जाता है। और ये मैंने अपना प्लाजो कट कर रखा है। इस तरह से हम एक ही सिलाई से ही नए लाइनिंग वाले प्लाजो को कैसे सिलते हैं, यहाँ पर हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है वो इस तरह से बैक पार्ट ही हमारा आसन की तरफ लेंगे। उसके बाद हमने जो ये लाइनिंग वाला लिया है कपड़ा, हमारे जो लाइनिंग वाला कपड़ा है इसका एक पीस लेंगे, उसको इस तरह से उल्टा करके मेन फैब्रिक पर रख लेंगे। पहले हमने लाइनिंग वाले कपड़े का आसन की तरफ से रख लिया है बैक वाले पार्ट को, अब हमने मेन फैब्रिक को रखा है एक साइड, और उसके बाद दूसरे वाले मेन फैब्रिक को हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। नीचे की तरफ हमारा सीधा साइड है, एक लाइनिंग वाले कपड़े को हम नीचे की तरफ रखेंगे और एक लाइनिंग के कपड़े को हम इस तरह से ऊपर की तरफ रख लेंगे। अब हम इसके ऊपर इस तरह से आसन की तरफ से इसके ऊपर रखेंगे। चारों पीसों को हम एक इक्वल कर लेंगे, कोई भी छोटा बड़ा ना हो। उसके बाद हम चारों पीसों को इस तरह से पकड़ेंगे और अपने एक पैर का मार्जिन करते हुए सिलाई करेंगे। हमने आसन की सिलाई लगा दी है, चारों को एक ही सिलाई से अटैच कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर से अपने लाइनिंग को कपड़े के ऊपर अटैच कर लेंगे, जो हम रफली सिलाई लगाते हैं। इससे हमारा प्लाजो हिले डुलेगा नहीं और छोटा बड़ा नहीं होगा, इसलिए इस तरह से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। हमने ये बैक वाले पार्ट को इस तरह से चारों तरफ से अपने लाइनिंग के साथ अटैच कर लिया सिलाई लगाकर। उसके बाद हम फ्रंट वाले हिस्से को भी इसी तरह से जोड़ेंगे। हम लाइनिंग वाले पार्ट को रखेंगे आसन की तरफ से, अब हम मेन फैब्रिक को इस तरह से आसन की तरफ से रख लेंगे। अब हम दूसरे वाले मेन फैब्रिक को भी इसी यहाँ से इस तरह से रखेंगे जैसे हमने रखा है। उसके बाद हम लाइनिंग वाले कपड़े को इसी के ऊपर रख लेंगे आसन से आसन अटैच करते हुए। इस तरह से हम चारों को रखेंगे और अपनी एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। कोई भी हमारा जो कपड़ा है छोटा बड़ा या आगे पीछे ना हो, इस तरह से इक्वल रखकर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। को हमने सील दिया है, अब हम इसको चारों तरफ से लाइनिंग अटैच कर लेंगे। जो हम रफली सिलाई लगाते हैं वो लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा, हम एक पॉकेट कट करेंगे। पॉकेट की हम इस तरह से चौड़ाई लेंगे 6 इंच, 6 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से 11 इंच पर निशान लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से डबल करके पॉकेट को कट करेंगे, नीचे की तरफ से थोड़ी सी गोलाई देते हुए। हमने पॉकेट कट कर ली है, अब हम लगाएंगे अपने राइट हैंड की तरफ हम पॉकेट को लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे पॉकेट के लिए। सबसे पहले हम ऊपर से आसन, यहाँ पर जो सिलाई हमारी ऊपर से नेपा जो फोल्ड होगा उसमें हम 3.5 इंच इस तरह से निशान लगा लेंगे, 3.5 इंच पर ऊपर से। उसके बाद 3.5 इंच से लेकर यहाँ पर 6 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे।
उसके बाद हम हाफ इंच इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। सेम यही निशान हम अपनी जो ये हमने पॉकेट कट की है, हम पॉकेट का एक तरफ से यही हिस्सा लेंगे। इसी कपड़े के ऊपर इस तरह से हम पॉकेट को रख देंगे। पॉकेट वाले कपड़े भी को भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे, हाफ हाफ इंच। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर किनारी पर हाफ इंच ऊपर की तरफ फोल्ड कर छोड़ते हुए नीचे की तरफ तक आएंगे और इसकी किनारी पर निशान सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमने ये निशान लगाया था इस तक हम इस तरह से निशान लगाएंगे, सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से नीचे की तरफ उतार देंगे सिलाई पर। अब जो हमने सिलाई लगाई थी उससे थोड़ा सा ऊपर करते हुए हम इस तरह से दोनों तरफ कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इससे इस तरफ से ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको इस तरह से सीधा रखेंगे और इसकी किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल किनारी पर इस तरह से नाखून लगाने के बाद सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमारा ये इस साइड से तो ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे बैक वाले पार्ट पर ये जॉइंट होगा, यहाँ सिलाई आएगी। अब हम इसको इस तरह से उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ से हम नीचे की तरफ से इस पर सिलाई लगाएंगे। हमें अपनी पॉकेट को नीचे से बंद करना है तो जिस शेप में हमने ये कटिंग कर रखी है उसी शेप में अपनी एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम अपनी जो पॉकेट है इसमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ ये निकल कर बाहर आए। इसके बाद हम इसको इस तरह से सीधा रख करेंगे। ये इस तरह से हमने पॉकेट को सीधा कर लिया है। अब हम इस तरह से इसको सीधा रखेंगे फ्रंट वाले हिस्से को। इसके ऊपर इस तरह से हम बैक वाले पार्ट को ज्वाइंट करेंगे। अब हम इस तरह से बैक वाले पार्ट को उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे और जो हमने सिलाई लगा रखी है लाइनिंग अटैच करते हुए उसी के ऊपर से इस तरह से सिलाई को लगाते हुए जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से जो हमारी पॉकेट है यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अपनी पॉकेट के किनारी वाले हिस्से को छोड़कर इस तरह से इस पे निशान लगाएं, इस पे सिलाई लगाएंगे। ताकि हमारा ये जो किनारी वाला हिस्सा ये बैक पार्ट के साथ ज्वाइंट ना हो तो आगे की तरफ हम निशान सिलाई लगाएंगे। नीचे की तरफ तक हम नीचे तक हम इस तरह से अपनी सिलाई को ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी पॉकेट लगकर तैयार हो गई है। अब हम जो दूसरे वाला हिस्सा है अपने प्लाजो का उसको भी इसी तरह से सिंपल सिलाई से अटैच कर लेंगे।
अब हम इसमें नेफा फोल्ड करेंगे। दोनों तरफ से हमने अटैच कर लिया है, बंद हो गया हमारा ये। अब हम इसमें नेफा फोल्ड करेंगे लास्ट में। हम इसमें लास्टिक डालेंगे नेफा फोल्ड करने के बाद, अपनी फिटिंग विटिंग करने के बाद लास्टिक डालेंगे। इस तरह से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, इसमें लास्टिक डालेंगे। हमारी 1.25 इंच की लास्टिक है चौड़ाई। इस तरह से हम इसमें नेफा फोल्ड करेंगे। जो हमारी ये पॉकेट है, हम इसको इस तरह से फ्रंट वाले हिस्से में दबाएंगे। आगे की तरफ हम जो नेफा फोल्ड कर रहे हैं, इस तरह से आगे की तरफ इसको सीधा रखेंगे। नेफा हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें लास्टिक डालेंगे। पहले हम हमारी जितनी पैंट की चौड़ाई होती है, ये हमारी पैंट की चौड़ाई है 30 इंच, तो इससे हम 3 इंच एक्स्ट्रा लास्टिक को हम 3 इंच कम लेंगे। ये हमारी 30 इंच है, तो हम 27 इंच की हम लास्टिक लेंगे। इस तरह से 27 इंच की लास्टिक लेने के बाद इस तरह से हम सेफ्टी पिन की मदद से प्लास्टिक को डालेंगे। इस तरह से हम सेफ्टी पिन की मदद से हम प्लास्टिक को डाल लेंगे। पीछे खींचते हुए जाएंगे और इस तरह से आसानी से हमारी प्लास्टिक डल जाएगी। प्लास्टिक डालने के बाद पूरे में इस तरह से हम दोनों किनारों को पकड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम 4-5 सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगाने के बाद हम प्लास्टिक को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और जो हमने की होल छोड़ा था प्लास्टिक डालने के, उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने पॉकेट वाले प्लाजो को रेडी कर लिया आसानी से। उसके बाद हम यहाँ पर सिंपल प्लाजो को आप ऐसे स्टिच करोगे तो एक ही सिलाई से स्टिच हो जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा बनने के बाद। इस तरह से अगर आप ट्राई कर, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। थैंक यू।